अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज आपको मिलेंगे मल्टी पर्पज़ फ्लेयर्स टेम्पलेट जो कि वॉल्यूम 6 है। सो इनका वॉल्यूम 1, 2, 3, 4, 5 भी मैं अपलोड कर लूँगा। इनका मैं आपको व्यू दिखाऊँ, ये स्टाइल एक ही है और जहाँ जिसमें इफेक्ट्स और कलर जो हैं वो चेंज हैं। यहाँ पे आ जाएँ ये, और यहाँ पे ग्रीन आ गया और फर्स्ट पे जो था वो येलो और रेड था। यहाँ पे डार्क आ गया और वहाँ पे डार्क रेड आ गया। सो ऐसे यहाँ पे भी चेंज हो गया और ये बता रहे हैं कि यहाँ से ऐसे चेंज करते हैं। सो मैं भी आपको बता देता हूँ। फर्स्ट मैं इसको ही ड्रैग करता हूँ फोटोशॉप में, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आप देखें तो सभी जो है वो यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं आपकी जो आपने एडिट करनी हो। सो एंड सो बैकग्राउंड में जाएं तो बैकग्राउंड में आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपने कलर चेंज करना है एटीसी उसके रिलेटेड आप कर सकते हो। सो फर्स्ट हम तस्वीरें चेंज करेंगे। यहाँ पे सर्कल में कोई तस्वीरें लगाता हूँ मैं, वही तस्वीरें जो हैं माइक्रोसॉफ्ट सॉरी ऑफिस के रिलेटेड ही हैं। यहाँ पे मैं इसको ही ट्रैक करता हूँ यहाँ पे, ओके यहाँ पे मैंने ट्रैक किया ऐसे और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ सर्कल पे इमेज बिलो। यहाँ पे मैं फर्स्ट आपने सर्कल पे क्लिक करना है और फिर आपने फ़ोटो को ओपन करना है। इसको मैं ओपन कर देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं ट्रैक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली सर्कल में एंटर हो जाएगी। इसका साइज जो है वो मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ ऐसे, यहाँ पे एंटर ये रहा और यहाँ पे मैंने क्लिक किया, फिर मैंने फाइल को ओपन किया और देन इसको मैं यहाँ पे ट्रैक कर देता हूँ ऐसे ये रहा। यहाँ पे भी शेप है, कोई फ़ोटो ऐड करना हो तो कर सकते हैं या कोई टेक्स या अपना कोई लॉगो है तो वो भी ऐड कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे एक फ़ोटो ही दे देता हूँ, इसको ही दे देता हूँ मैं यहाँ पे, ओके और शिफ्ट की मदद से मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ एंटर। सो ये रही फाइल, इसका आपने कलर कोई चेंज करना हो तो आप कर सकते हो यहाँ पे ऐसे। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, शेप का वाइट कर देता हूँ यहाँ पे, रेड या ग्रीन डार्क ग्रीन येलो टू ये आप डिपेंड करता है, मैं जस्ट आपको चेंज देगा ऐसे ही। और ये जो सर्कल नज़र आ रहा है इसका भी आप कलर चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हो। तो मैं दूसरी फ्लेयर्स को ओपन करता हूँ, वो भी सेम इसी ही तरह है ऐसे। मैं इसको ओपन विद फोटोशॉप, ये थोड़ी हाई डेफिनेशन में होती हैं इसलिए जो है वो लैपटॉप बिजी हो जाता है ओपन करने के लिए। इस फाइल को भी मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पे, वही सब सिस्टम है। यहाँ पे डबल क्लिक करना है आपने, सिंगल क्लिक करना है सॉरी, और इमेज को इंपोर्ट करना है। यहाँ पे जो टेक्स्ट आपने लिखना है उसको लिख सकते हैं, इसका कलर चेंज करना हो तो कर सकते हैं आप इसका। और ये जो पीछे बाहर बना हुआ है बटन टाइप है इसको भी चेंज करना चाहें, और इस टेक्स्ट को भी आपने जो चेंज करना हो उसको कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।